हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही इजी पनीर पुलाव रेसिपी, जो कि बहुत इजी रेसिपी है और झटपट बन जाती है। तो उससे बनाने से पहले आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन को दबाइए एंड प्लीज़ अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो जाते जाते उसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पनीर पुलाव बनाने से सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें बटर स्प्रेड कर देंगे। अब इस बटर में हम हमारे छोटे छोटे क्यूब्स पनीर के रख देंगे और इसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करना है। अभी हमको इसको हल्का हल्का, जब ये होने लगे तो इसको हमको पलटते रहना है, जलना नहीं चाहिए क्योंकि। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें से थोड़े हो चुके हैं और सारे हो चुके हैं क्योंकि मैं इनको एक ही तरफ से करने वाली हूँ, वरना ये जले हुए लगेंगे। तो अब हम पनीर पुलाव की तैयारी करते हैं। तो पनीर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कुकर ले लेंगे क्योंकि हम कुकर में बनाएंगे, जो कि बहुत इजी और झट। सो अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल, कुकिंग ऑयल, और उसी के साथ में हम इसमें 2 बड़े चम्मच घी के डाल देंगे, देसी घी। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता और साथ में गरम मसाले, आप आपकी पसंद से गरम मसाले ले सकते हैं। और मसाले डालते ही हम इसमें मीडियम साइज़ 2 शिमली स्लाइस अनियन डाल देंगे, प्याज। अब आपको इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और फिर इसमें हम दूसरे वेजिटेबल ऐड करेंगे। तो अभी ये टाइम है कि हम इसमें हमारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हम इसमें नमक डालेंगे, आप आपके स्वाद के अनुसार डालिए। अब इसको आपको अच्छे से स्पाइसेस को पकने देना है 2 मिनट के लिए। सो 2 मिनट के बाद अब हम इसमें हमारे 1 ग्रीन चिलीज फाइनली चॉप्ड और 1 गाजर फाइनली चॉप और 1 टमाटर फाइनली चॉप्ड, इसको अभी आपको मिक्स कर लेना है अच्छे से। अब मैं इसमें 1 कटोरी मटर यानी पीज ऐड कर दूंगी। अब हम इसको तेज आंच पे या आपको स्लो फ्लेम पे, आपको इसको 5 मिनट के लिए सब्जी गलने तक रुकना है, वेट करना है। सो ध्यान दीजिए कि हम इसमें अलग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, जैसे कि बीन्स, पोटैटो या शिमला मिर्च, आप आपकी पसंद से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं पुलाव में। अभी हम इसमें हमारे जो हमने फ्राई किए थे पनीर क्यूब्स वो डाल देंगे। तो अब मैं इसमें हमारे जो मैंने सोक्ड करके रखे थे राइस, और ये 1.5 कटोरी राइस है, मैं आपको इसके साइज भी दिखा देती हूँ, इसमें डाल देंगे। तो इसको मिक्स कर लीजिए पहले। सो मैंने ये साइज की कटोरी ली थी, जो 1.5 कटोरी चावल लिए थे। तो अब मैं इसमें 3 कटोरी पानी डालूँगी, हमेशा डबल ही पानी डालना चाहिए, 2 और ये 3। पानी डालने के बाद हम इसको एक बार स्टर करेंगे और इसमें हम नमक चेक कर लेंगे। सो मैंने नमक चेक कर लिया है, नमक चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना हम बाद में चावल के लिए जब पक जाए तब हम नमक ऐड नहीं कर सकते। अब हम इसको ढक के 1 सीटी तक, सिर्फ 1 ही विसल लेंगे और इसको बंद कर देंगे, और उसके बाद जब स्टीम इसकी बिल्कुल चली जाए तब आप इसको ऑन कीजिएगा, ओपन कीजिएगा। बिना स्टीम निकले अगर आपने इसको ओपन किया तो वो कच्चा रह जाएगा। तो हमारी 1 सीटी आ चुकी है, अब मैं एक बार चेक कर लेती हूँ हमारी स्टीम निकल रही है या नहीं। निकल गई, सो अभी चेक कर लेते हैं कि ये हुआ है या नहीं। वाओ, सी कलर कितना ब्यूटीफुल आया है, मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था, मुझे ज़्यादा येलो पसंद है। सो अब मैं इसको सर्व कर लेती हूँ। सो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा पनीर वेजिटेबल पुलाव रेडी हो चुका है, और दिखने में जितना सुंदर है उतना ही स्वादिष्ट है, टेस्टी है। सो आप इसको आपके लंच बॉक्स रेसिपी में, या आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, या अगर आपका सिंपल मन कर रहा है कुछ पुलाव खाने का, तो पनीर पुलाव इज़ द बेस्ट रेसिपी, आप इसको ट्राई कीजिए और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।
थैंक यू।